अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक ठाक, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो है मैं आप लोगों के लिए आलू के पराठे बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने तकरीबन ये लिए है 3 पाव आलू जो उबाल के रखे हैं मैंने। ये मैंने जो है सिंपल आटा भून के इसमें जो है आटे में सिर्फ नमक डाल के इसको भूना है, और ये जो है इसके मैंने पेड़े बनाए हैं। और इसमें मसाले जाएंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1/2 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच कलौंजी, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा धनिया पाउडर, 2 चाय के चम्मच जो है ये है चाट मसाला, और ये है 1 चाय का चम्मच जो है कुटी हुई लाल मिर्च। अभी जो है हम लोग इसको जो है बनाना शुरू कर देंगे। बहुत आसान और बहुत जल्दी बनने वाली। ये अभी सुबह के नाश्ते के लिए मैं बना रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने जो है मिक्सिंग बाउल ली है। अभी इसमें मैं आलू जो है सारे आलू डालने, ये मैंने डाल दिए और सारे आलू, और अभी इसमें मैं डालूंगी सारे जो मसाले मैंने कहे थे ये मसाले मैं डाल रही हूँ। ये सारे मसाले मैं डाल के इसको अच्छी तरह मेश करेंगे, और इसको जो है फिर जो है इसके पराठे बनाएंगे। हम लोग आलू को इसमें मेश करेंगे अच्छी तरह से। अभी जो है इसको मैं मेश करके हम लोग बाद में मिलेंगे वीडियो। ये देखिए तो दोस्तों, ये जो है मैंने आलू मेश करके जो है मसाले इसमें मैंने मिक्स किए हैं। अभी जो है हम लोग इसका पराठा बनाना शुरू कर देंगे बिस्मिल्लाह करके। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने एक छोटा सा पेड़ा ले लिया, एक पेड़ा ले लिया मैंने, और अभी इसको जो है मैं ऐसे बेलूँगी, बेल के साइड पर रख दूँगी। बहुत आसान और बहुत जो है जल्दी बनेंगे, और नाश्ता भी सुबह का जो है डिफरेंट नाश्ता होगा। आलू के पराठे और गोभी के पराठे भी बनते हैं, पालक के पराठे भी बनते हैं। आप आलू के पराठे बनाएं ये तो घर में बहुत बच्चों को भी बहुत पसंद आ जाएंगे, बड़ों को भी। देसी किस्म का नाश्ता है। ये देखिए, ये दूसरा जो है मैंने पेड़ा, ये भी जो है अभी मैं इसको बेल रही हूँ एक छोटी सी चपाती की तरह। बेलने के बाद अभी इसमें मैं आलू भर दूंगी। ये जो मैंने फिलिंग बनाई है आलू की, ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये तो हमेशा जो है मैं हाथ से करती हूँ, मुझे ये चम्मच से जो है इतनी ज़्यादा सही नहीं लग रही है। मैं हाथ से करूँगी, आप लोग चम्मच से कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो है मैं भी बेल रही हूँ, बस साइडों से अच्छी तरह मजबूत करके इसको जो है ये हम लोग बेलेंगे ऐसे, बिल्कुल आम जो है हम लोग चपाती जो बेलते हैं उसी तरह इसको भी बेलेंगे। मैं ज़रा जो है बड़ी बड़ी जो है पराठे बनाती हूँ। आप लोग इस अपना पेड़ा जो है छोटा भी ले सकते हैं, छोटे पेड़ों से भी बन सकता है, लेकिन जो है मैं पराठे जो है हमेशा बड़े से बड़ी होती है मेरे, तो इसलिए जो है मैं इतना बनाती हूँ। ये देखो तवा जो है बिल्कुल गर्म है, ये मैंने जो है चूल्हा जो है पहले से ऑन करके रखा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अभी इसको मैं सर्व कर दूँगी। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया। ये दोस्तों एक साइड जो है अभी जो है हल्का सा जो है पकना शुरू हो गया। अभी इस पे जो है मैं ये घी डाल रही हूँ। आप लोग ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मैं घी डाल रही हूँ। मैं घी से जो है पराठे में जो मेरी घी से बनती है, और इसकी जो है अभी मैं साइड जो है चेंज कर रही हूँ। एक साइड जो है फ्राई होने के बाद जो है अच्छी तरह से, तो फिर उसके बाद जो है हम लोग साइड इसकी जो है साइड चेंज करेंगे।
ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल जो है ये पराठे जो है अभी एक साइड से जो है बिल्कुल फ्राई हो गए, थक गई है। अभी जो है मैंने दूसरी साइड जो है अभी जो है मैं पका रही हूँ, इसकी फ्राई कर रही हूँ अच्छे से जो है। ऐसे इसको जो है आप लोग प्रेस कर सकते हैं आप, ये हमारी जो है आलू के पराठे तैयार हो गए। ये देखो दोस्तों जो है ये पराठा बिल्कुल तैयार है। अभी जो है आप जो है ये ऑयल भी लगा सकते हैं। जो है मैं पराठों को जो है हमेशा घी के साथ जो है मैं घी लगा के जो है उसको फ्राई करती हूँ, तो आप जो है ऑयल के साथ भी कर सकते हैं। जिस जिसको मेरी ये रेसिपी पसंद आई वो मेरे वो मेरी इस रेसिपी को लाइक करे, सब्सक्राइब भी करे और ज़रूर ज़रूर